और जी हम दोनों मिलकर आग जलाने लगे। और पतिदेव ना जाने कौन कौन सा मंत्र पढ़ रहे थे और हमें इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे, वो सब मंत्र आज तक मैंने सुना ही नहीं कभी। क्षीर सिंधु में पदक विलासा, दया सिंधु विजय महासा। और जी हमारी सफाई देवी लग गई सफाई में, नवरात्रि को लेकर तैयारी जोर शोर पर है, अपने चरम पर है। इधर मेरा काम चल रहा है, जिया ने नवरात्रि की ब्लॉग की एडिटिंग पर लगा रखा है, और दूसरी साइड देखिए यहाँ क्या कर रही है जिया, पूजा के बर्तन की पूरी सफाई कर रही है। आह चकाचक हो गया एकदम, पीताम्बरी है ना बहुत जल्दी साफ। पीताम्बरी जैसे लगता है कि टीका वाला जो है चंदन लगता है। जिया जो है बर्तन की इतनी सफाई कर रही थी, इतनी घिस रही थी बर्तन को, लग रहा था आज जो है बर्तन को बिगला करके ही झोरेगी। मेरे पास तो ज़्यादा टाइम ही नहीं था, नहीं तो और भी ज़्यादा चकाचक कर देते। वैसे तो हम पूजा का बर्तन धोते नहीं है, डेली डैडी पूजा का बर्तन धो देते, लेकिन हम सोचे नवरात्रि आएगा ना तो पूजा का बर्तन एकदम चकाचक कर देंगे। तो मैं बताता हूँ जी, अगर टाइम मिल गया होता ना, गंदगी तो झोरो जी, बर्तन ही नहीं रहता ये इतना। ये ली है कलर पेपर, ये अगरबत्ती है, कच्चा अगरबत्ती जो आता है, ये नवद्या है। नवद्या क्या होता है? ये वो धूप, धूप। अच्छा, फोटो लिए थे तो फिर हम सोचे क्या मूर्ति नहीं मिल रहा था, फिर दूसरे दुकान में गए तो मूर्ति मिल रहा था तो वो ले लिया। अच्छा, ये धूप है, धूप सरहर फूल है, कपूर चुनरी माता का, उनका खाना भी बनाना था उनको। वैसे तो पापा हर साल नवरात्रि का व्रत रखते थे, इस साल नहीं रखा क्योंकि इस साल उनका शुगर लेवल जो है काफी ज्यादा हाई हो गया था। चना दाल को 2 घंटे पहले हम भिंगो के रखे थे, और इसमें डालेंगे पानी, और इसमें डालेंगे हल्दी, सेंधा नमक, कुकर करेंगे बंद। इधर हम खाना बना रहे थे और इधर डैडी पूजा कर रहे थे, तो हम सोचे आप लोग को भी एक झलक दिखा देते हैं डैडी का पूजा। और हाँ जी, मेरे डैडी जब पूजा पर बैठते हैं उनको बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, अगर कोई भूल से उनको टोक भी दे तो मेरे डैडी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कुकर में 3 सीटी लग चुका है और इधर छौंक लगाने की तैयारी कर लेते हैं। डालेंगे 2 चम्मच घी, शुद्ध घी है, तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा, 2 लाल मिर्च सूखा मिर्च, थोड़ा सा चटक जाएगा थोड़ा सा नमक डालेंगे, हम पहले भी नमक डाल चुके हैं। इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कुकर हमारा फूल गया। फिर कुछ देर उसको पकने छोड़ देंगे, जब अच्छे से वो पक जाएगा तो उसमें डाल देंगे गरम मसाला। तैयार हो गया और उसको करते हैं बंद। फिर भी डालेंगे थोड़ा सा तुलसी जी, तुलसी डालना जरूरी नहीं है, अभी नवरात्रा चल रहा है इस वजह से तुलसी हम डाल दिए, क्योंकि तुलसी को शुद्ध माना जाता है। फिर जी हमारा खाना बनके तैयार हो गया और डैडी का भी पूजा कंप्लीट हो गया था, तो उनको खाना देने जा रहे हैं जी। जल्दी जल्दी में मेरा पराठा थोड़ा सा जल गया था, तो हम डैडी को बोले डैडी थोड़ा सा पराठा जल गया है, तो डैडी बोलते हैं कोई बात नहीं है, तो और भी टेस्टी लग रहा है, एकदम क्रंची लग रहा है खाने में। फिर जी डैडी को खाना खिला करके हम दूसरी बार स्नान करने की तैयारी कर रहे थे, तो पतिदेव से पूछा कि कौन सी साड़ी पहने, तो आप लोग उनका जवाब सुनिए। मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, टफ क्वेश्चन। फिर जी हम आ गए स्नान करके, पूजा करने के लिए थोड़ा बहुत श्रृंगार कर रहे हैं, उतना तो हमें समझ है नहीं, जितना भी समझ है मैं उतना कर रही हूँ।
फिर जी हम हो गए तैयार और पतिदेव भी नहा करके आ गए, तो फिर हम दोनों साथ में बैठ करके पूजा करने लगे। क्षीर सिंदूर में पलक पिलासा दया सिंदूर दीजे मनासा। और हाँ जी, यह पहली नवरात्रि है जो हम साथ में मना रहे हैं जी। पिछले बार भी मौका मिला था साथ में मनाने का, क्योंकि हमारी पिछले साल ही शादी हो गई थी, लेकिन हुआ क्या, ठीक ऐन वक्त पर मेरा जॉब चेंज हो गया और मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ गया था। और जी, जैसे ही हमारी पूजा अर्चना खत्म हुई, हम लोग जा रहे थे छत की तरफ जल ढारने के लिए, तो हमने देखा कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। फिर जब हमने दरवाज़ा खोला तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि हमें दान करने का मौका मिला। जी, कहा जाता है कि पूजा करने के बाद दान करना चाहिए, और माता रानी की कृपा की वजह से हमें यह दान करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। फिर जी हम चल दिए छत की तरफ तुलसी में जल ढारने के लिए। तो जी, हम लोग का पूजा हो गया संपन्न और अब बारी है प्रसाद खाने की। तो आप अपना प्रसाद खाते हैं, उसके बाद अपना खाना खाने बैठते हैं। और यह था आज जो पहला दिन है इसका आपको पूजा दिखाया जी। उसके बाद शाम में जो आरती होती है, शाम में जो पूजा पाठ होता है, वह भी आप लोग को दिखाएंगे। अब जल्दी जल्दी खाना लगाओ, भूख इतनी तेज लगी है। कुछ दो लेयर वाला क्यों बना रही है? पहला पूजा है ना, और कलश स्थापन के दिन ही बनता है। अच्छा, पहला पूजा और कलश स्थापन की वजह से नहीं बनता है। ये लग गया मेरा खाना, तो बताओ जी कैसा लगा पतिदेव? ठीक है। ठीक है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। आज माता रानी का पाप लगेगा, झूठने बोले। बहुत बढ़िया। 3 hours later जी, अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और हम आए हुए हैं अपने छत पर। और वो क्यों आए हैं अभी आपको दिखाता हूँ। उधर देख रहे हैं जिया को, आम की लकड़ी इकट्ठा कर रही है। सूखने के लिए आम का लकड़ी दिए थे, सूख गया सारा। सूख गया, अब इसको करके बोरा में रख देंगे। जब तक अच्छे से सूखेगा नहीं, धूप नहीं लगेगा तो जलेगा नहीं अच्छे से। और जी, हम दोनों मिलकर आग जलाने लगे और पतिदेव न जाने कौन कौन सा मंत्र पढ़ रहे थे और हमें इतना ज्यादा परेशान कर रहे थे। वो सब मंत्र आज तक मैंने सुना ही नहीं कभी। उस मंत्र को जानने के लिए तुमको अच्छा खासा विद्वान बनना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। हम दुर्गा स्थान आए हुए थे, यहाँ पर दिया को दिया दिखाना था, आरती करना था, तो यहाँ पर अपने ही YouTube फैमिली से कुछ लोग मिल गए हैं। तो चलिए जानते हैं कब से देख रहे हैं आप लोग हम सबको। आई थिंक बहुत पहले से आपका TikTok पे हम TikTok देखे। तो आप लोग, अच्छा लगा जानकर के? अभी भी बहुत अच्छा लगा, आप यहाँ से हैं ये बात जानते हैं, बहुत खुशी हुई आपसे आज मिले, ये और अच्छा लगा। थैंक यू जी, ऐसे ही सपोर्ट करती रहिए और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हमारी पूजा हो गई यहाँ मंदिर में, और पूजा करने के बाद अब हम लोग घर चलते हैं। तो जो भी पूजा की विधि होगी, जो भी पूजा का रीति रिवाज होगा, वो सभी कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल का नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूले, ताकि हमारे कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।